तो भाई आप इतने प्रो कैसे बने भाई? कौन सी गन अच्छी है इंडस में भाई? मैप में कहाँ पे उतरना है भाई? अपने को हर मैच में कैसे विक्ट्री मिल सकती है? तो आपके मन में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो भाई ई स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी चीज़ होती है गेम को विक्ट्री करना और अपने किल सबसे ज़्यादा रखना। तो इसी वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि उसी किल को कैसे ज़्यादा मेंटेन कर सकेंगे, कौन सी गन चलानी चाहिए और बहुत सारे टॉपिक है जिससे अपन को विक्ट्री करने में मदद मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस चैनल पर अपने को ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट मिलने वाले हैं जो कि अपने इंडस के रिलेटेड भी होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। बढ़ते आज की वीडियो की ओर। तो भाई आज के वीडियो का सबसे बड़ा सवाल कि भाई इंडस के मैप में कहाँ पे उतरना चाहिए जहाँ पे अपने को बहुत सारे लूट भी देखने को मिले और भाई बहुत सारे बंदे भी आए। तो ऐसे तीन ड्रॉप पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं और अच्छी खासी लूट भी मिल जाती है। तो सबसे पहला ड्रॉप पॉइंट होने वाला है अपना टर्मिनल। वहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्वाड आते हुए देखने को मिलने वाले और वहाँ पे लूट भी अच्छी खासी मिल जाती है। दूसरा अपना ड्रॉप पॉइंट होने वाला है जो कि अपना होने वाला है सैंड बायो। तो वहाँ पे आपको मतलब जहाँ पे रेगिस्तान का एरिया है वहाँ पे आपको अच्छी लूट भी मिलने वाली है और वहाँ पे थोड़े बंदे कम जाने वाले हैं क्योंकि वो एकदम एज ऑफ द मैप है और निर्वाणा का भाई डर तो सबके मन में है क्योंकि फ्लैश प्ले टेस्ट में हमने वही गलती की थी। तो गाइस ये गलती आपको दोहरानी नहीं है क्योंकि निर्वाणा बहुत डैमेज देता है। तो अगर आप मैप के एज में उतर रहे हो तो भाई आपको सबसे ज़्यादा थ्रेट होगा क्योंकि निर्वाणा बहुत ही डैमेज देता है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की सेकंड टॉपिक की ओर। और जैसे कि आपको पता होगा कि ई स्पोर्ट्स में गन बहुत ही मैटर करते हैं और कौन सी गन अच्छी है वो भी आपको पता चलनी चाहिए। तो मैं भाई बता देता हूँ कि अगर आपको इंडस का ई स्पोर्ट्स सीरियसली खेलना है तो आप दो गन पे फोकस करें और अपने टीम में एक स्नाइपर प्लेयर ज़रूर से रखें क्योंकि भाई विंटेज जो कि अपने एक स्नाइपर गन है बहुत ही अच्छा खासा डैमेज दे देती है बंदों को, जो कि उसका बॉडी शॉट का ही डैमेज 65 होने वाला है। और जो कि अपनी सेकेंड गन होने वाली है वो एक किस्मत, ये एक शॉटगन है और इसका डैमेज भी बहुत ही अच्छा खासा है। तो भाई अगर आपको ई स्पोर्ट्स खेलना है तो भाई इस दोनों गन का प्रैक्टिस चालू करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि भाई गन बहुत ही मैटर करते और उसका अटैचमेंट भी बहुत ही मैटर करते। तो अगर इस वीडियो में 10 से ज़्यादा लाइक होते तो अगले वीडियो में मैं कौन से अटैचमेंट लगाने चाहिए गन को उस बारे में बात करने वाला हूँ। तो बढ़ते आज की वीडियो के थर्ड टॉपिक की ओर। और भाई जैसे कि आपको पता होगा कि ई स्पोर्ट में हमें एक नेडर चाहिए होगा, तो वैसे अपने को इंडस में भी एक नेडर चाहिए जो कि नेड्स डाल सके क्योंकि नेड्स भाई बहुत ही डैमेज देते हैं और वो आसानी से 1v4 कर सकता है। तो भाई अपने को एक नेडर ज़रूर से रखना है अपने टीम में। तो बढ़ते आज की वीडियो के फोर्थ टॉपिक की ओर, और जो कि होने वाला है भाई इंडस में प्रो कैसे बने। तो गाइस अगर आपको इंडस में प्रो बनना है तो आपको जिगल आना ही चाहिए, जो कि अपने को इंडस के अलावा अपने को BGMI में भी देखने को मिलता है। जो बंदा अच्छे से जिगल कर पाता है वो भाई बहुत ही प्रो कहलाता है। और जैसे कि आपको पता होगा तो इस गेम में गायरो भी होने वाला है, तो आपको गायरो की प्रैक्टिस करनी शुरू करनी चाहिए क्योंकि अगर आपको गायरो चलाने नहीं आ रहा तो भाई आप इंडस के स्पोर्ट्स में खेलना तो भाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको दो तीन गेम रिकमेंड करूँगा जिससे कि आपका गेम प्ले सुधर सकता है और वो इंडस गेम से थोड़ी कुछ मिलती जुलती है। तो आप फारलाइट 84 गेम खेल सकते हैं अगर आपको इंडस में प्रो बनना है, और आप BGMI भी खेल सकते हैं जिससे कि आपके गायरो और जिगल की प्रैक्टिस हो सके। और वैसे ही आप COD मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेल सकते हैं क्योंकि इनके गेम प्ले भाई थोड़े बहुत मैच होते हैं इंडस से। तो बढ़ते आए आज के वीडियो के फाइनल टॉपिक की ओर, और वो होने वाला है कि भाई मतलब एक सबसे बड़ी टिप्स एंड ट्रिक कौन से होने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ आपको सबसे अच्छी टिप्स एंड ट्रिक जो कि आपको प्रो बना सकती है वो है अपने को फायर करके कवर में जाना। तो भाई ये टिप्स एंड ट्रिक को मैं डिटेल में बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।